हमजा ने क्या कहा, आ रहा है? नहीं पप्पू, वो कह रहे हैं उनको देर हो जाएगी। तो वलीमे पे नहीं जाओगे तुम लोग? कह रहे थे माजरत कर लेंगे। ठीक है भाई, नौकरी ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी शादी पे तो चले ही गए ना हम लोग, और अगर वो ज्यादा इसरार करेगी तो मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ है? कुछ नहीं। घर याद आ रहा है? नहीं पापा, इधर आओ बैठो। घर याद आ रहा है? देखो बेटा, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ना टूटते हैं ना छूटते हैं, और माँ बाप के साथ जो रिश्ता होता है वो तो मौत के बाद भी बरकरार रहता है। वो मुझे यकीन नहीं आता। मामा जो मुझसे इतना प्यार करती थी, वो इतना सख्त नाराज हो गई है कि मुझे देख के भी मुंह फेर लेती है। वालदैन की नाराजगी और गुस्सा वक्ती होता है, खास तौर पे अगर औलाद नाफरमानी करे तो दिल भी दुखा होता है। थोड़ा सा वक्त दो, ठीक हो जाएंगे। वो सच में मामा ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल, माँ का दिल तो बहुत वसी होता है, उसमें औलाद की हर गलती समा जा सकती है। तुम एक एक दिन छोड़कर कॉल किया करो, पूछो उनकी तबीयत, मैसेज करो। वो जवाब नहीं देती। जवाब नहीं देती लेकिन पढ़ती तो होंगी ना, अच्छा लगता होगा। और तुम अपनी कोशिश बरकरार रखो, एक ना एक दिन का दिल पिघल जाएगा। बस ऐसे परेशान मत हो। कौन आ गया इस वक्त?